जय गुरुदेव बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा और क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द, काल इनके बारे में पढ़ा। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रही हूँ। उन क्वेश्चनों को आप नोटबुक में ज़रूर करना, फिर उनको चेक किया जाएगा। आपको ज़रूर से ये क्वेश्चन करने हैं ताकि पता चले कि आपने कितना पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, नाम धातु क्रिया की परिभाषा देते हुए चार उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन में हमने क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, तो उसमें एक नाम धातु क्रिया भी थी, पढ़ी थी, तो उसकी परिभाषा और चार उदाहरण, मतलब चार उसके शब्द देने हैं नाम धातु क्रिया के। अगला है, अपूर्ण भूत का उदाहरण दीजिए। भूतकाल के जो भेद हैं उनमें हमने एक अपूर्ण भूत पढ़ा था, उसका उदाहरण हमें यहाँ देना है। अगला क्वेश्चन है, हेतु मद भूत का उदाहरण दो। तो इसमें भी भूतकाल का जो भेद है हेतु मद भूत, उसका उदाहरण यहाँ स्पष्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्यों का काल निर्धारित कीजिए। इसमें नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में हमें बताना है कि ये जो वाक्य है वो किस काल के हैं, काल के जो भेद हैं वो भी इसमें स्पष्ट करना है। नाम भी लिखना है कि कौन से काल के हैं। तो लड़की ने कविता पढ़ी होगी, लड़का खाना खा चुका था, यह लड़का हमारे घर आता रहता है, वह शायद कल सवेरे आ जाए। इन वाक्यों में हमें यह स्पष्ट करना है कि इनमें कौन सा काल है और उसका नाम भी हमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पद छांटकर लिखिए। हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था और क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। तो आज अब हमें उनके ये बताना है कि ये जो क्रिया विशेषण जो शब्द हैं इनमें कौन सा, हाँ तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो शब्द हैं इनमें क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा है और उसका भेद भी हमें लिखना है कि कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। यह आम अच्छा पका है, विपिन धीरे बोलता है, लड़का बाहर सोता है, वह अभी गया है, सुपर्णा जरा सा खाती है, आकाश में तारे कैसे चमकते हैं। तो इन वाक्यों में हमें यह देखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा के साथ दो उदाहरण भी दीजिए। इस क्वेश्चन में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी है और उसके साथ साथ उसके दो उदाहरण भी लिखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अव्यय किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, जब शुरुआत में हमने विकारी शब्द पढ़े थे, और तो विकारी शब्द वे शब्द जो कि काल लिंग वचन इनके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द तथा अव्यय एक ही होता है, पर्यायवाची शब्द हैं दोनों, अविकारी और अव्यय। तो हमें इसकी परिभाषा बतानी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि अव्यय किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हमें लिखनी है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय गुरुदेव।